हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। मैं हूं भवी और मैं बहुत अच्छी हूं। आप भी सारे बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ और कुशल मंगल होंगे। तो गाइस, आज के व्लॉग का शुभ आरंभ करते हैं हम यहीं से। और सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं कि आपको लग ही रहा होगा कि आज बहुत ज़्यादा ठंड है, मुझे देख के लग ही रहा होगा क्योंकि आज सभी मैंने भी रिकॉर्डिंग तोड़ दी है। तो आज ना बहुत ज़्यादा वाली ठंड है। ठंड इसलिए क्योंकि आज बारिश हो रही है आज बाहर, मतलब मौसम ना बड़ा सुहाना मौसम हुआ है आज बहुत ज़्यादा वाला। और मतलब मुझे ना ऐसा मौसम बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं इसलिए बोल रही हूँ। और वैसे भी बारिश की तो नीड सबको ही है क्योंकि अगर बारिश होती है ना, वैसे बिना बारिश की थोड़ा रूखा रूखा सा मौसम हो गया था, तो सर्दियों में ना हाथ पैर इतने गंदे से हो जाते हैं। और जब अब बारिश हो गई है तो फिर थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। और खेतों में जो फसलें लगाई है उसके लिए भी बारिश बहुत ज़्यादा वाली अच्छी है। और मैं आपको आपसे ना मुझे एक बात पूछनी थी पहले तो, कि जो मेरी वीडियो है ना, आप लोगों को कैसी लग रही है? कम से कम मुझे कमेंट करके तो बता दिया कीजिए, अच्छी लग रही है तो भी, नहीं लग रही है तो भी। अगर उसमें मुझे कुछ थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना है तो आप मुझे बताइएगा कि मैं मतलब किस तरह से करूँ चीज़ों को। और बस यही, और मस्त रहिए, खुश रहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है, तो हर पल को मज़े से इंजॉय कीजिए, ठीक है? तो गाइज़, मैं अभी आपको ले चलती हूँ बाहर का रुख करवाने। आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे बारिश हो रही है, आपको भी दिखा देती हूँ मौसम का थोड़ा सा नज़ारा। तो चलिए मेरे साथ। तो गाइज़, चलिए मेरे साथ हम करेंगे बाहर का मुआयना। पता नहीं मैंने क्या बोल दिया, कोई बात नहीं, चलता है। तो ये हमारा टेरेस ऊपर, हम यहाँ से ये जो सीढ़ियाँ ना, हम यहाँ से चढ़ के जाते हैं क्योंकि अभी हमने स्टेयर्स नहीं लगवाई दूसरी वाली। तो गाइस, अभी हो रही है रिमझिम रिमझिम बारिश, और इस रिमझिम रिमझिम में ना मैं अभी बाहर निकल चुकी हूँ। और ये देखिए, पक्षी भी बड़े ज़्यादा खुश है क्योंकि बारिश हो रही है। और ये देखिए, वैसे भी ना मज़ा आता है मुझे इस मौसम में, सच बताऊँ अगर आपको तो। और मेरा जो घर है ना, वो चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा है, ये देखिए, चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं और बीच में मेरा घर है। ये दूर की पहाड़ियाँ हैं जहाँ पे मैं कभी गई नहीं हूँ, आज तक जाऊंगी कभी अगर कुछ काम होगा तो, ठीक है। तो गाइज, अब मैं ना भीग रही हूँ धीरे धीरे करके क्योंकि बारिश वैसे थोड़ी सी कम हुई थी, तो इसीलिए मैं बाहर आई थी कि चलो मैं थोड़ा सा वीडियो बना लूँ। और मैं भीग रही हूँ, ठीक है, वैसे मुझे मज़ा आ रहा है, पर मैं बीमार ना हो जाऊँ। नीचे चाचा जी आते हैं, मुझे देखेंगे तो बोलेंगे तू क्या कर रही है ऊपर। तो ये देखिए मौसम, तो बाहर जो है ना ठंड बहुत ज्यादा है और इसलिए मैं आ चुकी हूँ किचन में चूल्हे के पास, क्योंकि हमने यहाँ पे आग जला रखी है इसलिए हमें आग सेकनी है, तो आग सेक लेते हैं। ठंड में ना चूल्हे के पास आना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बाकियों का मेरे को पता नहीं। तो गाइस, ठंड के मौसम में मेरा तो बड़ा मन कर रहा है चाय बनाने का और चाय पीने का भी, क्योंकि मैं तो वैसे भी टी लवर हूँ। और बस अब मैं चाय बना लेती हूँ अपने लिए गर्मा गर्म, मैंने चाय चढ़ा दी है वैसे। और
पक जाएगी मेरी चाय थोड़ी देर में, जब बनके तैयार हो जाएगी तो मैं मिलूंगी आपसे। और चाय का, चाय पीने का बिना एक अपना ही आनंद है ना। पता नहीं ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा चाय पीती हूँ, आई डोंट नो, पर इस चाय से ना मेरी बड़ी यादें जुड़ी है, बहुत ही पुरानी यादें। हाँ तो ये देखिए मेरी चाय जो है उबल चुकी है, इसको मैं थोड़ा और पकाऊंगी और उबलने दूंगी ताकि ये और ज़्यादा कड़क बने, क्योंकि मुझे कड़क चाय ज़्यादा पसंद है और इस ठंड के मौसम में तो चाय तो चाय ही चाय चाहिए होती है इस ठंड के मौसम में, और कुछ मिले चाहे ना मिले चाय ज़रूरी है। तो अब मैं इसमें दूध को ऐड कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स चाय जो है वो बन के तैयार हो चुकी है और आ जाइए आप भी गर्मा गर्म चाय पीने, और ये जो चाय है ना बहुत टेस्टी बनी है, शक्ल ही बता रही है ना चाय की। और ये है सरकारी बिस्किट, ये ना हमारे घर में एक छोटा बेबी है उसके लिए मिले थे, छोटा बेबी तो नहीं खा सकता इसलिए हम इसको खा जाते हैं। क्या आपने कभी ये वाले बिस्किट खाए हैं? ये जो बिस्किट है ना ये ना नूर के लिए मिला है, नूर जो मेरी भतीजी है ना उसके, तो वो जब बाद में बड़ी होगी ना तो वो देखेगी कि अच्छा बुआ मेरे बिस्किट चोरी करके खाती है। तो फ्रेंड्स अभी ना मेरा बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं है, और मेरा मन तो ये है कि मैं बस यही आपके पास बैठी रहूँ, आपके मज़े लेती रहूँ, बस आग सीखती रहूँ बस, और मैं कोई काम नहीं कर सकती, अंदर का सारा काम कर लूँगी मैं, बाहर का काम नहीं कर सकती बस। हाय और जब भी ना चूल्हे के पास बैठ जाते ना तो फिर उठने का मन ही नहीं करता है, भाई मेरा तो नहीं करता बाकी का मुझे पता नहीं है, पर वो बाहर जो मौसम है ना, अब बारिश में थोड़ी सी तेज़ हो चुकी है क्योंकि अब बाहर बारिश में नहीं जा सकते वैसे भी, तो इसलिए आग सेकते रहो मुझे से, आग वैसे मैंने ज़्यादा नहीं जलाई है बट सेकने के लिए जलाई है थोड़ी सी। और तब तक मैं अपनी राइस देख लेती हूँ। तो फ्रेंड्स लाइट भी जा चुकी है और मैं अभी तक जो है ना आपके पास से नहीं उठ रही हूँ आज, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी ठंड है, आज मन ही नहीं कर रहा मेरा उठने का, लाइट पता नहीं कब आएगी, तब तक हम आग के मज़े लेते हैं, मज़ा आ रहा है इधर, और हो सकता है आपको मेरी शक्ल थोड़ी अच्छी दिख रही होगी। तो अभी ना बारिश बिल्कुल रुक चुकी है और ये देखो, और मैं जा रही हूँ अभी नीचे वाले आंगन में। और अभी जो है ना बारिश रुक चुकी है और अभी हवा चल रही है, और ये देखिए, और जो मेरे ये वाले पेड़ है ना ये पहले से भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है, और देखो ये वाला पौधा ना ऐसा लग रहा है आज जैसे नहा के बाहर निकला है अभी अभी।
चलो चिकी काम। तो गाइज मैं अभी रूम में आई ही थी और मम्मी ना मेरे लिए गरम गरम हलवा लेके आए हैं। ये देखिए, ये बनाया तो है ना सिस्टर ने, बट रूम तक मेरी माता श्री लेके आई हैं। तो मेरी मम्मी कितनी अच्छी है ना, हम इसको खा लेते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म है, हो जाए मीठा खाने का ना बड़ा मन करता है ठंड में, मेरा तो बहुत करता है। तो मैंने आज ऐसे ज़्यादा काम नहीं किया कुछ भी, आज सब घर में ना तो सब मिलजुल के काम कर रहे हैं।